कराची में लाहौर से आने वाला तैयारा गिरकर तबाह। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसान नकवी समेत 91 मुसाफिर और अमले के साथ अराकीन सवार थे। हादसे में 49 अफराद शहीद। तैयारा एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर शहरी आबादी पर गिरा, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। आर्मी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ। इमदादी कामों में पाक फौज के हेलीकॉप्टर भी शामिल। लैंडिंग से कुछ देर पहले पायलट की टावर से गुफ्तगू हुई। पायलट ने कहा कि लैंडिंग के लिए तैयार हूं, जिस पर टावर से जवाब आया ओके। पायलट ने कहा कि इंजन में खराबी आ गई, फिर रास्ता कट गया। चंद मिनट बाद पायलट की मेरे मेरे की आवाज आई। तैयारे ने 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 2:45 पर कराची में लैंडिंग करना थी, लेकिन बदकिस्मत तैयारे में सवार मुसाफिर अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके। पायलट समेत अमले के तमाम अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। मुसाफिरों में 51 मर्द मुसाफिर, 31 ख्वातीन और 9 बच्चे शामिल। तैयारा हादसे की खबर से पूरा मुल्क अफसरदा। मुसाफिरों के लवाहिकीन पर सख्ता, बच जाने वाले प्यारों को पुकारते रहे। हर तरफ आहो बका, जिना अस्पताल के बाहर प्यारों की लाश की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर समेत सियासी क़यादत का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना फैल गया। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मजीद 50 अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 1067 हो गई। 15,201 मरीज सेहत याब। आने वाले दिनों में सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार कर दिया। कहते हैं ईद पर लोग एक दूसरे के गले ना मिले, ईद-उल-फितर की नमाज घर पर अदा करें तो इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं होगी। शुगर माफिया कितना बासर, कमीशन की रिपोर्ट ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। शुगर मिल्स ने 6 साल में टैक्स से भी 30% ज्यादा रकम खजाने से ली। सिर्फ 5 साल में माफिया 29 अरब 22 करोड़ की सब्सिडी भी ले उड़े। रहीम या ग्रुप ने 6 साल में 4 अरब 14 करोड़ की सब्सिडी ली। बहरान रिपोर्ट सामने आने पर सियासी हलचल। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अवाम को लूटने का लाइसेंस इमरान खान ने दिया, अब जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने से वजीर आजम की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। ख्वाजा सब भी वजीर आजम पर बरस पड़े, बोले इमरान खान अपनी तलाश क्यों नहीं देते। जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मलिक अहमद खान कहते हैं हुकूमती रिपोर्ट धोखे के सिवा कुछ नहीं। चीनी की कीमत 65 से 85 रुपए करना लूट मार थी। उज़्मा बुखारी ने कहा जो सब्सिडी दे वो सादिक और अमीन, जो सब्सिडी ले वो मुजरिम है। कौम जानती है शुगर माफिया का सबसे बड़ा सरगना शरीफ खानदान है। शिबली फराज का जवाबी वार। कहते हैं शरीफ फैमिली ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया, दौलत की हवस उनकी सियासत का महवर रहा। जुमातुल विदा पर नमाज़े जुमा के बड़े बड़े इज्तमात। कोरोना के बायस मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए गए। लाहौर में बादशाही मस्जिद समय दीगर मसाजिद में नमाज़े जुमा अदा की गई। पिशावर में SOPs नजरअंदाज कर दिए गए। मसाजिद में जगह खत्म होने पर सड़कों पर चटाइयां बिछाई गई। सिंध में 1.5 माह बाद आज सख्त लॉकडाउन नहीं हुआ। कराची समेत सूबे भर में नमाज जुमा के इज्तमात, मसाजिद में हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया गया। शहरों से परदेशियों की आबादी, इलाकों का रवानगी जारी। लारी अड्डों पर रश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से लोगों को परेशानी।
कराची में लाहौर से आने वाला तैयारा गिरकर तबाह। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसान नकवी समेत 91 मुसाफिर और अमले के साथ अराकीन सवार थे। हादसे में 49 अफराद शहीद। तैयारा एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर शहरी आबादी पर गिरा, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। आर्मी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, रेंजर्स और सिविल इंतजामिया इमदादी कामों में मसरूफ। इमदादी कामों में पाक फौज के हेलीकॉप्टर भी शामिल। लैंडिंग से कुछ देर पहले पायलट की टावर से गुफ्तगू हुई। पायलट ने कहा कि लैंडिंग के लिए तैयार हूं, जिस पर टावर से जवाब आया ओके। पायलट ने कहा कि इंजन में खराबी आ गई, फिर रब्ता कट गया। चंद मिनट बाद पायलट की मेरे मेरे की आवाज आई। तैयारे ने 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। 2:45 पर कराची में लैंडिंग करना थी, लेकिन बदकिस्मत तैयारे में सवार मुसाफिर अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके। पायलट समेत अमले के तमाम अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। मुसाफिरों में 51 मर्द मुसाफिर, 31 ख्वातीन और 9 बच्चे शामिल। तैयारा हादसे की खबर से पूरा मुल्क अफसरदा। मुसाफिरों के लवाहिकीन पर सख्ता, बच जाने वाले प्यारों को पुकारते रहे। हर तरफ आहो बका, जिना अस्पताल के बाहर प्यारों की लाश की तलाश जारी। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर समेत सियासी क़यादत का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। जांबहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना फैल गया। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान मजीद 50 अफराद जान से गए। मरने वालों की तादाद 1067 हो गई। 15,201 मरीज सेहत याब। आने वाले दिनों में सूरत हाल ज्यादा खराब हो सकती है। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खबरदार कर दिया। कहते हैं ईद पर लोग एक दूसरे के गले ना मिले, ईद-उल-फितर की नमाज घर पर अदा करें तो इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं होगी। शुगर माफिया कितना बासर, कमीशन की रिपोर्ट ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। शुगर मिल्स ने 6 साल में टैक्स से भी 30% ज्यादा रकम खजाने से ली। सिर्फ 5 साल में माफिया 29 अरब 22 करोड़ की सब्सिडी भी ले उड़े। रहीम या ग्रुप ने 6 साल में 4 अरब 14 करोड़ की सब्सिडी ली। बहरान रिपोर्ट सामने आने पर सियासी हलचल। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अवाम को लूटने का लाइसेंस इमरान खान ने दिया, अब जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाने से वजीर आजम की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। और जहां से भी वजीर आजम पर बरस पड़े, बोले इमरान खान अपनी तलाश क्यों नहीं देते। जहांगीर तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। मलिक अहमद खान कहते हैं हुकूमती रिपोर्ट धोखे के सिवा कुछ नहीं। चीनी की कीमत 65 से 85 रुपए करना लूट मार थी। उज्मा बुखारी ने कहा जो सब्सिडी दे वो सादिक और अमीन, जो सब्सिडी ले वो मुजरिम है। जानती है शुगर माफिया का सबसे बड़ा सरगना शरीफ खानदान है। शिबली फराज का जवाबी वार। कहते हैं शरीफ फैमिली ने सियासत को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया, दौलत की हवस उनकी सियासत का महवर रहा। जुमातुल विदा पर नमाज़े जुमा के बड़े बड़े इज्तमात। कोरोना के बायस मसाजिद में खसूसी इंतजाम किए गए। लाहौर में बादशाही मस्जिद समेत दीगर मसाजिद में नमाज जुमा अदा की गई। पिशावर में SOPs नजरअंदाज कर दिए गए। मसाजिद में जगह खत्म होने पर सड़कों पर चटाइयां बिछाई गई। सिंध में 1.5 माह बाद आज सख्त लॉकडाउन नहीं हुआ। कराची समेत सूबे भर में नमाज जुमा के इज्तमात, मसाजिद में हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया गया। शहरों से परदेशियों की आबादी, लाखों की रवानगी जारी। लारी अड्डों पर रश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी से लोगों को परेशानी।